हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दिखाएंगे कि आप डीजी पे लाइट का एम पिन कैसे बनाएंगे। अगर आप अपना एम पिन भूल गए हैं और आपका लॉगिन नहीं हो रहा डीजी पे लाइट, तो किस तरह से एम पिन नया से बना सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सीएससी डीजी पे लाइट में अपना केवाईसी नहीं किया है, तो किस तरह से केवाईसी किया जाता है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो को आप देख के आसानी से अपना डीजी पे लाइट में केवाईसी कर सकते हैं। आज की वीडियो में दिखाएंगे, अगर आप अपना एम पिन भूल जाते हैं तो किस तरह से नया एम पिन जनरेट कर सकते हैं, नया एम पिन बना सकते हैं, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं डीजी पे लाइट को। सबसे पहले डीजी पे लाइट ओपन कर लेंगे, यहाँ पर यूजर नेम डाल देंगे और नीचे पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमको एम पिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एम पिन डालेंगे तो ही ये लॉगिन होगा, अगर एम पिन भूल जाते हैं तो ये लॉगिन नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर पुराना एम पिन अगर आपका काम नहीं कर रहा है, आपको पिन याद है लेकिन भी आप यहाँ पर डालने से अगर ओपन नहीं हो रहा, तो आपको नया एम पिन बनाना होगा। यहाँ पर देखिए, हम पुराना एम पिन डाल दिए हैं, अब वेरीफाई एम पिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये लॉगिन नहीं हुआ है, फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर पिन डाला हुआ है, अब वेरीफाई एम पिन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसमें हमको नया एम पिन बनाना होगा, उसके बाद ही ये लॉगिन होगा। नया एम पिन बनाने के लिए जनरेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप एम पिन बनाना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं एम पिन बनाना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। हमको एम पिन बनाना है तो हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डीजी पे लाइट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें एम पिन चला जाएगा। यहाँ पर मैसेज आपको प्राप्त होगा कि जो आपको ओटीपी मिलता है, आपको रजिस्टर मोबाइल पे जो ओटीपी जाएगा, जो जनरेट एम पिन करने के समय जो ओटीपी जाएगा, वही आपका नया एम पिन रहेगा, उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं अपने डीजी पे लाइट को। यहाँ पर मैसेज हमको प्राप्त हो गया, जैसे मैसेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ओटीपी लिखा हुआ है, तो इसी पिन को आपको डालना है डीजी पे लाइट में, तो आपका लॉगिन हो जाएगा डीजी पे लाइट। चलिए आपको दिखाते हैं लॉगिन करके। देखिए, यहाँ पर नया एम पिन जो अभी जनरेट हुआ है वो एम पिन यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद वेरीफाई एम पिन पर क्लिक करेंगे। अब मेरा डीजी पे लाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं डीजी पे लाइट का डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।